शुभम फर्नीचर मेन रोड गढ़वा, वर्कशॉप चिनिया रोड गढ़वा, दीवान पलंग सोफा सेट आदि के लिए संपर्क करें। पांडु प्रखंड अंतर्गत सिलदिली ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अमन अनुष्का जनरल एवं सिंगार स्टोर में रविवार की रात 9 बजे भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लगभग 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी प्रमिला देवी ने सिलदिली गांव में बैंक से कर्ज लेकर श्रृंगार एवं जनरल स्टोर खोली थी। इसके अलावा वह दुकान के बगल में सिलाई सेंटर भी खोली थी, जिसमें लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अलावा प्रमिला महिलाओं का कपड़ा भी सिलती थी। प्रमिला देवी ने बताया कि वह 4 दिनों से बाहर गई हुई थी। रविवार को ही सुबह बाहर से लौटी थी। दिन भर दुकान भी खोलकर चलाया था। शाम को दुकान बंद कर बगल के अपने घर में चली गई। रात्रि 9 बजे आवाज सुनकर घर से बाहर निकली तो दुकान से आग की लपटें निकल रही थी। शोर मचाने पर ग्रामीण जमा हुए। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रमिला देवी ने बताया कि दुकान में बैंक से मिले 1 लाख कर्ज के अलावा पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन आगजनी की इस घटना में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आगजनी की इस घटना में दुकान के बगल में खड़ा 2 मोटरसाइकिल और 3 सिलाई मशीन भी जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पाकर सिलदिली पंचायत की मुखिया रीता देवी व समाज सेवी बाल मुकुंद पासवान घटना स्थल पर पहुंचे। घटना का जायजा लेने के बाद मुखिया रीता देवी ने पांडु बीडीओ व थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।